परीक्षा माफिया के दबाव में बनाए जाते परीक्षा केंद्र, नकल कराने में सफल होते इंटर कॉलेज के प्रबंधक, डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के श्री राम जानकी इंटर कॉलेज और छबिलाल इंटर कॉलेज का मामला संज्ञान में आया है कि यहां के प्रबंधक अपने मनमाने तौर पर परीक्षा केंद्र घोषित करवाते हैं और नकल कराने में सफलता हासिल करते हैं। जहां पर छबिलाल इंटर कॉलेज एवं श्री राम जानकी इंटर कॉलेज के प्रबंधक एक परिवार के पति पत्नी विद्यालय का संचालन करते हैं, वहीं परीक्षा केंद्र बनवाने में भी अपने विद्यालय का अपने ही विद्यालय में परीक्षा केंद्र लेने में सफल होते हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यालय में कई प्रकार की खामियां सामने देखी जा रही हैं, जहां पर फर्जी तरीके से व नाबालिगों को अध्यापक बनाकर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जहां एक तरफ 2003 में अध्यापक चयन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ 1997 से ही उसको वेतन देने का काम भी कर दिया गया, चयन होने से पहले सैलरी दिया गया। इस विद्यालय के प्रबंधक द्वारा किया गया, वहीं पूर्व में संस्थापक के माध्यम से चयन किए गए अध्यापकों को बाहर कर अपने मनमाने तौर से अध्यापक का चयन किया गया और फर्जी तरीके से वेतन भुगतान किया जा रहा है। वहीं शत्रुघ्न नाथ राय ने विद्यालय प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए बताया है कि इस विद्यालय को अवैध रूप से प्रबंधक द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जबकि यह किसी और की बनाई हुई विद्यालय है, उसे जबरन बाहर करते हुए अपना अस्तित्व बना लिया है, जो कानून के खिलाफ और पूरी तरह से अवैध माना जाता है। इस शिक्षा माफियाओं द्वारा अगर ऐसा ही किया जाता रहा तो सरकार की मंशा पर पानी फिर जाएगा। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर जिम्मेदारियां निभा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रबंधक द्वारा पूरी तरह नकल कराने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिससे विद्यालय और बच्चों का दिमाग तेज हो सके और पढ़ाई में मन लगाएं। अगर ऐसा ही होता रहा तो बच्चे ना तो पढ़ाई में जोर देंगे, ना ही उनका भविष्य मजबूत होगा जिससे वो कंपटीशन में आ सके। श्री राम जानकी इंटर कॉलेज गिरधरपुर कुनगाई के अध्यापक हैं और वहाँ जो है प्रधानाचार्य धर्मराज चौधरी हाई कोर्ट से, विभाग से, मैनेजमेंट से डिसमिस हैं और डिसमिस होने के बाद हाई कोर्ट का फर्जी स्टे आर्डर दिखा करके कार्यरत हैं। इन्होंने अपने समय में कई बार कमेटी बदल दिया है। 96 में विद्यालय अनुदान सूची पर आते ही प्रबंधक का फर्जी त्याग, गया प्रसाद चौधरी का फर्जी त्याग पत्र लिख करके एक फर्जी कमेटी गठित कर दी। वह फर्जी कमेटी सहायक निबंधक गोरखपुर के आदेश 16/7/96 और माननीय उच्च न्यायालय की याचिका संख्या 700/96 पारित आदेश 19/96 द्वारा निरस्त है, लेकिन उस फर्जी कमेटी को विभाग जबरन मान करके और उसी कमेटी के हस्ताक्षर से फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति बैक डेटिंग करके और भुगतान करा दिया गया। भुगतान सिंगल ऑपरेशन प्रबंध संचालक द्वारा प्रथम भुगतान किया गया, जबकि विद्यालय विवादित था, पुराने अध्यापकों को निकाल दिया गया, नए अध्यापकों की फर्जी धर्मराज चौधरी और फर्जी कमेटी द्वारा भर्ती बैक डेटिंग करके और भुगतान कराया जा रहा है। उस विद्यालय में 12-12, 14-14, 15-15 वर्ष के बच्चों को एमए बीएड करके भुगतान करा दिया गया है और आज भी कुछ नाबालिग विभाग से, हाईकोर्ट से और शिक्षा निदेशक माध्यमिक के स्तर से निरस्त हैं। कुछ नाबालिग आज भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं, धर्मराज चौधरी फर्जी स्टे आर्डर पर बने हुए हैं। इसकी जानकारी मीडिया द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा हुआ है तो एक सप्ताह के अंदर विद्यालय पर कार्रवाई होना निश्चित है। मैं तो 1 फरवरी को यहाँ ज्वाइन किया हूँ जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर। आज मेरे आपके द्वारा मुझे संज्ञान में आया है कि ऐसी बात है
और मैं परीक्षा प्रभारी को यहाँ बुला करके पूछा थी, उनके द्वारा यह बताया गया कि यह चीज़ें जो है बोर्ड द्वारा की गई है, लेकिन मैं इसकी जांच कराऊंगा कि बोर्ड से हुई है कि या जिले स्तर पर इसको किया गया है। एक सप्ताह के अंदर जांच करा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। खबर जगत 24 न्यूज सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।